पुल बन गया तो अब कान खोल के वैसे लोग जिनको कोई मुद्दा नहीं था, शर्म करना चाहिए, जाना चाहिए और फेसबुक मीडिया में बधाई देना चाहिए दोनों विधायकों को। हम लोगों ने वैकल्पिक व्यवस्था के तहत साइकिल मोटरसाइकिल पैदल यात्रियों को असुविधा नहीं हो, कोई दुर्घटना नहीं हो नाव से या रेलवे लाइन से गिर के, उसके लिए हम लोगों ने चालू कर दिया है इसको। आज बोरिया घाट में जो बेसब्री से लोगों का इंतजार था, आज से शुरू कर दिए हैं, क्या कहेंगे? देखिए, वैकल्पिक व्यवस्था के तहत क्योंकि नाव दुर्घटना हो जाता, नदी में पानी का बहाव तेजी से है और रेलवे लाइन से लोग पार करते थे, कभी दुर्घटना होता तो सीधा बदनामी हम ही लोग दोनों विधायक का होने वाला था कि भाई ये लोग पुल चालू नहीं किए तो दुर्घटना हो गया। पहले भी यहाँ दुर्घटना हो चुका है 2004 में। तो हम लोगों ने वैकल्पिक व्यवस्था के तहत साइकिल मोटरसाइकिल पैदल यात्रियों को असुविधा नहीं हो, कोई दुर्घटना नहीं हो नाव से या रेलवे लाइन से गिर के, उसके लिए हम लोगों ने चालू कर दिया है इसको। केवल साइकिल मोटरसाइकिल पैदल यात्री जाएंगे, कोई टेम्पो कोई चार चक्का वाहन को अभी अनुमति नहीं है। और अप्रोच का काम कल से ही फिर से शुरू हो जाएगा, नया जो रोड़िया से यहाँ तक का जो रोड है उसमें छोटा पुलिया था उसका निर्माण हो रहा है। फिर हम लोग प्रयास करेंगे कि एक डेढ़ महीना के अंदर में हम लोग इस पुल को विधिवत चार चक्का वाहन के लिए भी चालू कर दें। कह तो रहे हैं कि एक डेढ़ महीना में, अब देखें बंगाली टोला में जो विवादित चीज़ था वहाँ पुल बनना शुरू हो गया पुलिया, और क्योंकि अभी तो मोटरसाइकिल आने में मिट्टी देख रहे हैं धंस रहा है, चार चक्का कैसे चालू करेंगे हम लोग, इसलिए उसमें समय लगेगा, जब भराएगा कंप्रेस होगा, संवेदा का काम है। लेकिन हम लोग टारगेट रखेंगे कि एक डेढ़ महीना में हम लोग चार चक्का वाहन को भी शुरू कर दें। ये सपना था लोगों का, दोनों तरफ हम लोग भाजपा के विधायक हैं, हमारी केंद्र में भी सरकार है और राज्य में भी सरकार है, ये हम लोग की जिम्मेवारी थी। बहुत तेजी से काम हुआ और बीच में जो बाधा हुआ 15 से 20 में, वो बाधा न ये विधायक थे न हम विधायक थे, ठीक है। 15 से 20 का समय बेवजह बर्बाद हो गया, ईश्वर की कृपा थी, केंद्र में और राज्य में दोनों हम लोग की सरकार थी और ये सब कुछ पूरा हुआ है। और एक डेढ़ महीना में विधिवत इस रोड को हम लोग जनता को सुपुर्द कर देंगे ताकि चार चक्का और भारी वाहनों का भी आवागमन शुरू हो जाए। विधायक जी, लाखों लोगों के आस्था से ये जुड़ा हुआ पुल है, कई तरह के आरोप प्रत्यारोप कई तरह के बातें कही गई, लेकिन पूर्ण रूप से देखिए शर्म लगना चाहिए उन लोगों को जिन लोगों ने इस पुल के लिए कोई अपना योगदान नहीं दिया, जिन लोगों ने इस पुल के लिए कोई काम नहीं किया वही बवंडर खड़ा करते थे कि पुल नहीं बन रहा है। पुल बन गया तो अब कान खोल के वैसे लोग जिनको कोई मुद्दा नहीं था, शर्म करना चाहिए, जाना चाहिए और फेसबुक मीडिया में बधाई देना चाहिए दोनों विधायकों को कि इन लोगों के प्रयास से ये पुल का आवागमन शुरू हो गया। काम उद्देश्य है हम लोगों का, कौन क्या बोलता है कभी हम लोग इसकी चिंता नहीं किए। कल 3 बजे से लेकर रात के 9 बजे तक फुलवरिया घाट पर मैं स्वयं उपलब्ध था, ठीक है, कि चालू करना है तो करना है। माननीय विधायक जी का भी पूरा योगदान रहा, जब जब हम लोग को जिन चीज़ों में जरूरत हुई, पहले की सांसद रामा देवी जी थी उनसे हम लोगों ने सहयोग लिया, उनको भी धन्यवाद है कि उनका भी सहयोग मिला इस काम में। मोतीलाल भाई तो हम लोग के साथ विधानसभा में लड़ते ही रहे हैं इस चीज़ के लिए, इसलिए जिन लोगों ने भी इस पुल के पुराने लोगों ने सहयोग किया उनको धन्यवाद है। और नए जो हमारे MP बने हैं उनसे भी हम लोगों को बड़ी उम्मीद है कि उनके रीजन में भी जो बचे हुए काम है, जैसे हम लोग का मधु छपरा पुल का काम रुका हुआ है, जहाँ भी उनकी आवश्यकता होगी उनका भी सहयोग हम लोग इस काम में लेंगे। विधायक जी, अभी तक कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा इस पुल के निर्माण में? कोई कठिनाई नहीं हुआ, कठिनाई हुआ उसके टाइम में जिसके टाइम में कोई काम नहीं हुआ। 13 में हम लोग काम शुरू किए, मोतीलाल भाई विधायक थे हम लोग थे, रामा देवी जी MP थी, 13 में यहाँ भूमि पूजन किए थे, 15 तक जब तक हम लोग विधायक थे तभी तक काम हुआ, 15 से 20 में जो विधायक रहे हों उनके रीजन में एक ईटा भी इस पुल में नहीं जुटा, फिर 20 में हम लोग चुनाव जीते तो फिर 21 के लास्ट से दिसंबर से यहाँ काम शुरू हुआ और अभी हम लोग इस पुल को वैकल्पिक व्यवस्था के तहत चालू किए हैं। इसका विधिवत उद्घाटन हमारे केंद्रीय मंत्री हमारे मुख्यमंत्री के साथ होगा, इसलिए कोई उद्घाटन की बात नहीं है, उद्घाटन हुआ भी नहीं है अभी, क्यों होगा, अभी तो ये वैकल्पिक चीज़ है। तो बड़े नेताओं के सामने जब पूर्ण विधिवत तैयार हो जाएगा तो हम लोग कार्यक्रम देंगे, हमारी MP भी रहेंगे, हमारे दोनों विधायक हम लोग हैं, हमारे मिनिस्टर रहेंगे पथ निर्माण के, केंद्रीय मंत्री रहेंगे, मुख्यमंत्री रहेंगे, हम लोग इसका उद्घाटन करेंगे। लोगों से क्या अपील करेंगे? लोगों से अपील करेंगे कि हम लोग आग्रह किए हैं कि साइकिल मोटरसाइकिल पैदल इतने भर रहिएगा, ज़्यादा खुशी में जाने की जरूरत नहीं है, नहीं है, पूरा बोल्डर रखवा के हम लोग कर दिए हैं और कोई दिक्कत नहीं हो इसके लिए हम लोग ने वैकल्पिक व्यवस्था के तहत किया है। कोई दुर्घटना होता तो हम लोग को पता था कि सीधा दोषारोपण हम ही लोग के खाते में जाने वाला था, आप ही लोग दिखाते। विधायक जी, आज आप आए हैं और पुल जो है चालू हुआ है 2 चक्के के लिए, क्या कहेंगे इस पर आप? स्थानीय लोगों की आवश्यकता को देखते हुए तत्कालिक स्तर पर इस पुल के आवागमन को चालू कराया गया है ताकि लोग आ सके जा सके। अभी हैवी गाड़ियों के लिए ये अभी दुरुस्त नहीं हुआ है, अभी बहुत सारे अधूरे काम हैं
जो पूरे होंगे उसके उपरांत विधिवत उद्घाटन होगा और चालू होगा। तत्कालिक व्यवस्था के अंतर्गत ये शुरू की गई है स्थानीय हम दोनों विधायकों के प्रयास से, और ये लोगों को आने जाने में मोटरसाइकिल से जा सकते हैं, टेम्पो भी अभी मनाई है, टेम्पो से भी अभी जाने की स्थिति नहीं है, मोटरसाइकिल और पैदल इतना ही तक लोग सीमित रहे, यही आग्रह होगा। विधायक जी, बिहार में अभी पुल गिरने का काफी ट्रेंड चल रहा है, कुछ लोग सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं फुलवरिया घाट को लेकर भी। अधिकांश पुल उसमें देखिएगा उस शासन काल है जिसमें रोड मिनिस्टर तेजस्वी यादव जी थे, उस समय का वो बुनियाद डाला हुआ, वो काम किया गया, वही सब ज्यादा गिरा। नहीं, जो लिखे होंगे ना एक बार उनका फेसबुक आईडी आप चेक कीजिएगा, वही लोग होंगे जो 15 से 20 में पुल में कोई योगदान नहीं दिए होंगे, और उनको हमारी सरकार से और हम लोगों से एलर्जी होगा, इसलिए वैसा भगवान से मनाते होंगे कि ऐसा हो जाए, लेकिन उनको पता नहीं है कि ऐसा कुछ होने वाला नहीं है, उनका सपना चकनाचूर हो जाएगा।